हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे माथे वाली गर्ल्स के लिए कैसे आप हेयर स्टाइल बनाओगे। जैसे चाहे ब्राइडल है, दुल्हन का माथा अगर छोटा होता है तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा हेयर स्टाइल उनके ऊपर शूट करेगा, तो वही बताने वाली हूँ। वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सेकंड चैनल पे अपनी ब्लॉग वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, अगर मेरी ब्लॉग देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सेकंड चैनल पे जाइए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके इजीली मेरे सेकंड चैनल तक जाके मेरी ब्लॉग वीडियोस को देख सकते हो। एंड इंस्टा आईडी PreetiY24 है, वहां पे मैं अपनी रील्स वीडियोस एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। और ये मेकअप मैंने अभी किया था, ये देखिए हाथ पे दिख रहा है, ब्राइडल मेकअप है। अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, नेक्स्ट टाइम मैं इस टाइप की मेकअप आपको बता दूंगी। ये आप गर्ल्स पे कर सकते हो सिंपली, जैसे हम लोग गर्ल्स हैं एंड शादी पार्टी में कोई मेकअप करने का सोच रहे, आई मेकअप समझ में नहीं आता, तो इस तरीके से कर सकते हो। इसकी वीडियो तो अभी मैंने नहीं बनाई है, नेक्स्ट टाइम बना के आप लोग के साथ अपलोड जरूर कर दूंगी। शॉर्ट्स पे, शॉर्ट्स आप लोग बहुत ज्यादा देखते हो तो शॉर्ट्स में मैं अपनी मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, तो आप लोग वैसे ही देखते रहिएगा। हेयर स्टाइल की लेटेस्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर मेरे आइकन पे प्रोफाइल पे क्लिक करके वहां से आप इजिली जाके सारे वीडियोज को देख सकते हो। तो चलिए बहुत बातें हो गई हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे माथे वाली गर्ल्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेंगे बालों की, जिनका भी माथा छोटा है एंड ब्राइडल्स हैं उनको भी इसी तरीके से बनाना है। ओके, इस तरीके से करने के बाद से अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप हाई बन बनाओगे और आपकी हाइट लंबी है तो आप लो बन बनाओगे। स्पेशली दुल्हन के लिए बना रही हूँ वेडिंग ब्राइडल बन हेयर स्टाइल फॉर शॉर्ट फॉरहेड। यहाँ पे रबर बैंड लगाएंगे। ब्राइडल्स के पास अक्सर बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज होती हैं जिससे वो अपने बन को डेकोरेट कर लेती है और नॉर्मल है, करना भी चाहिए भी, ब्राइडल्स के लिए वो सब जरूरी है तो आपको करना है। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा बन बनाना है बैक साइड में, इस तरीके से बालों को फैला देंगे। यहाँ पे आपको रबड़ बैंड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे बालों को। क्योंकि आप रबर बैंड लगा दोगे तो आपका जो बन है वो टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बन का जो लुक है वो बहुत छोटा दिखेगा, जिससे कि आपका अच्छा नहीं लगेगा आपका हेयर स्टाइल। इसलिए आपको यहाँ पे रबर बैंड नहीं लगाना है, सिंपली जैसे मैंने किया वैसे ही हेयर को चारों तरफ से लपेटना है बालों के और यू पिन से सिक्योर कर देना है। जहां भी आपको अनमैनेज लग रहे हैं हेयर वहां पे आप इस तरीके से यू पिन को लोगे और स्कैल्प के हेयर के साथ इस तरीके से लगा दोगे। ओके, जितने यूपिन्स की जरूरत है उतना आप लगा लोगे। ये काफी प्यारा सा हमारा बन बन के रेडी हो गया। इस तरीके से आप सिंपली अगर वेडिंग के लिए बन बना रहे हो तो सारे बालों को एक साथ लेके पफ का लुक देके भी बना सकते हो, वो भी काफी प्यारा लगेगा। बट यहाँ पे मैंने कहा था शॉर्ट फॉरहेड के लिए, शॉर्ट फॉरहेड शॉर्ट छोटे माथे वाली लड़कियों के लिए वेडिंग बन हेयर स्टाइल, तो इस तरीके से आप हेयर को लेना है और सिंपली ट्विस्ट करना है। अगर आपके आपको मांगटीका तो लगाना ही होगा, तो पहले आप मांगटीका सेट कर लोगे उसके बाद आपका फ्रंट का हेयर स्टाइल स्टार्ट होगा। ओके, सेंटर से आपको मांगटीका जितना ऊंचा रखना है वहां पे रख के यहाँ पे बॉबी क्लिप से उसको सेट कर लोगे, उसके बाद अपना सेंटर फ्रंट का हेयर स्टाइल स्टार्ट करोगे। ऊपर से इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आगे की तरफ लेके आएंगे हेयर को एक लेयर में उठा के और ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से अगर आप ट्विस्ट करोगे तो बैक तक ये काफी अच्छे से जाएगा और आपका जो ट्विस्टिंग है वो दिखेगा। ओके, और यहाँ पे आप यूपिन से या बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर करते जाओगे। सेकेंड लेयर लेंगे, यहां से ऐसे ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको ट्विस्ट करते करते इसको बैक की तरफ लेके जाएंगे।
इस साइड के हेयर को, जो इस साइड का हेयर ऊपर आ रहा है, उन सबको इस साइड में रखोगे और इस साइड का जो जाएगा वो इस साइड में जाएगा। लेयर्स जब भी निकालोगे शॉर्ट फॉरहेड पे, नीचे की तरफ से निकालोगे, यहाँ से नहीं निकालोगे, क्योंकि उससे आपका जो फॉरहेड है वो कट हो जाएगा और आपका माथा और ज्यादा छोटा लगेगा। तो आपके छोटे, आपका ऑलरेडी छोटा फॉरहेड है, तो आपको यहाँ से लेयर निकालना है, क्योंकि आप साइड से कट कर सकते हो लेकिन आपको अपना फॉरहेड बिल्कुल भी कट नहीं करना है। अब यहाँ से आपको जो भी लेयर निकालने हैं वो आप निकाल लोगे, बाकी बचे हेयर को सिंपली ट्विस्ट करेंगे एंड अपर डायरेक्शन में ले जाके यू जूड़े के पास यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, अब इधर जितने भी हेयर हैं उनको ट्विस्ट कर लेंगे और बन के चारों तरफ से इस तरीके से लपेट के यू पिन से सिक्योर कर देंगे। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, सॉरी यहाँ पे मेरा बन का हेयर खींच गया है, सिर्फ आपको लेयर में ही यूपिन लगाना है, बन के हेयर में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब जैसे हमने इस साइड में बनाया है वैसे ही आपको यहाँ पे भी बनाना है, इस साइड के हेयर को भी थोड़ा फ्रंट से स्टार्ट कर देंगे ट्विस्टिंग करना। देखिए पीछे कर दिया तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर ट्विस्टिंग करते हुए बैक साइड में लेके जाना। इसकी जो आपकी ट्विस्टिंग है वो काफी अच्छी दिखेगी और इस साइड के हेयर को इधर रखना है और यू पिन से सिक्योर करना है। बहुत आसानी से आप ये ब्राइडल बन बना लोगे खुद से भी, अगर आप थोड़ा बहुत मेकअप करते हो तो पार्लर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना मेकअप करके ये खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना सकते हो। अदरवाइज आपकी चॉइस है, क्योंकि शादियों का टाइम रहता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप बुला लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेयर निकाल लेंगे और इन सारे बालों को एक साथ ही ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करके बन के पास लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। अब अगेन यहाँ से सारे हेयर खोलेंगे और सिंपली ट्विस्ट करेंगे, बैक साइड से लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। इसके बाद आप डेकोरेट करने के लिए हेयर को हेयर फ्लावर्स यूज कर सकते हो, यू पिन जो फ्लावर वाले आते हैं वो यूज कर सकते हो, गजरा लगाना है तो आप गजरा लगा सकते हो। ये हेयर जो है इनको कर्ल कर लीजिएगा तो काफी अच्छा सा लुक आ जाएगा। इसके साथ ज्वेलरी छोटे फोरहेड वाली गर्ल्स के लिए काफी बेस्ट रहेगा, तो अगर आप भी किसी को जानते हो जिनका फोरहेड काफी छोटा है और ये हेयर स्टाइल बनाने में उनको
प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ आप गजरा वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपकी ब्राइडल्स का लुक जो होगा और ज्यादा खूबसूरत आएगा। इसके बाद पल्लू सेट कर दीजिए और आपका ऑलमोस्ट डन है हेयर स्टाइल। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल? और जिनका भी छोटा फोरहेड है, छोटी फोरहेड वाली ब्राइडल्स के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। और इसी तरीके की हेयर स्टाइल के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आते रहती हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी तक आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, जिससे मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाए और मैं आप लोगों के साथ वो टाइम कैसा मुझे फील हुआ सब कुछ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।